अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉयिंग योर ऑनलाइन क्लासेस। ओके, वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट टारगेट ऑफ अवर लेसन एंड दिस इज अवर फोर्थ डे ऑफ द लेसन मदर मोल। ओके, स्टिल हमारा जो लेसन है वो लेसन नंबर 1 है और टॉपिक मदर मोल है। इसमें आज हम जो काम करने जा रहे हैं वो है क्रिएटिव राइटिंग, और क्रिएटिव राइटिंग में जो टारगेट है आज का हमारा वो है ऑटोबायोग्राफी। सवाल ये पैदा होता है कि ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी कहते हैं ज़िंदगी की कहानी को, और जब हम शुरू में लफ्ज़ ऑटो लगा देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कोई शख्स अपनी ज़िंदगी की कहानी ख़ुद से सुना रहा है या लिख रहा है या बता रहा है उसके बारे में। तो आपने लेसन पढ़ा है मदर मोल, इसमें आपने देखा कि जो मदर मोल है वो सारी मतलब एक अपनी लाइफ के बारे में, अपने खाने पीने के बारे में, अपने बच्चों के बारे में बताती है। तो उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी आपको बताई। आज आपका जो काम है करने का वो ये है कि सपोज यू आर गोलू, आर कैरेक्टर इन स्टोरी मदर मोल। आपने ख़ुद को तसव्वुर करना है कि आप मदर मोल कहानी का एक किरदार गोलू हैं। यू हैव ग्रोन अप नाउ, अब आप बड़े हो गए हैं। यू आर टेलिंग योर स्टोरी आफ्टर 5 ईयर्स, और 5 साल के बाद, यानी कि जब आपकी उम्र में 5 सालों का इजाफा हो चुका हुआ है, तो आप अपनी कहानी सुना रहे हैं। आपको लेसन में याद होगा कि जब आपने लेसन पढ़ा कि गोलू जो है वो खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौकीन था। उसकी माँ जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ करती है कि वो बड़ी मज़े की चीज़ें जो है वो पकड़ कर लाता है खाने पीने के लिए। तो उसका ख्याल था कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो एक उसके खाने पीने की आदत जो है वो बहुत अच्छी होगी। तो आइए देखते हैं गोलू अपने बारे में क्या बता रहा है। अब गोलू अपने बारे में बताने जा रहा है, तो देखिए। हेलो गाइस, आई एम गोलू, यू नो वेरी वेल अबाउट मी। आई वॉज फॉन्ड ऑफ ईटिंग। My mother thought that I might catch delicious earthworm when I grow up. I fulfilled her expectations and really did the same. I have children now. They have certain qualities. I thank Allah Almighty for granting me such children that have great qualities. तो ये जो हैंड आउट्स आपको मिले हैं उसमें ये डाटा ऑलरेडी मौजूद है। ये आपको सेल्फ राइट नहीं करना पड़ेगा, इसको सिर्फ आपने लर्न करना है। पर अगर आप चाहें तो इसको रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो इसकी एक मैं एक मरतबा आपको उर्दू में अंडरस्टैंडिंग करवा देती हूँ। आपने इसको अच्छी तरह से लर्न करके घर में किसी भी बड़े को आपने लिख के दिखाना है स्पेशली, ताकि आपकी जो स्पेलिंग एरर्स हैं वो इसमें से ख़त्म हो जाएँ और आप एक अच्छी कारकर्दगी का इजहार कर सकें। तो आइए मैं ज़रा एक मतलब इसकी उर्दू में वज़ाहत कर देती हूँ। हेलो गाइस, आई एम गोलू, हाँ जी दोस्तों, तो मैं हूँ गोलू। यू नो वेरी वेल अबाउट मी, आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आई वॉज फॉन्ड ऑफ ईटिंग, मैं खाने पीने का शौकीन था। माई मदर थॉट डैट आई माइट कैच डिलीशियस अर्थवर्म व्हेन आई ग्रो अप। मेरी वालदा का ख्याल था कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं बहुत मज़े के कीचड़ पकड़ा करूँगा। I fulfilled her expectations. मैं उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरा and really did the same, और वाकई ऐसा ही किया। I have children now. अब मेरे भी बच्चे हैं। They have certain qualities. उनमें भी वाकई बहुत सी खूबियाँ हैं। I thank Allah Almighty for granting me such children. मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ऐसे बच्चे अदा किए that have great qualities, जिनमें बहुत ढेर सारी खूबियाँ। इसके साथ ही आज आपका लेसन कम्प्लीट हो गया है, और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक भी जो है मदर मोल जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। आपका जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपने इसको अच्छी तरह से पूरे लेसन को रिवाइज करना है और घर में किसी बड़े को टेस्ट देना है, ताकि जब आप स्कूल आएँ तो आपके टारगेट्स अचीव हुए हों और आपको कोई मसला ना हो। मिलते हैं अगले लेसन के लिए, तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।